ओम शांति। मीठे बच्चे, रूहानी बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो, तुम गायन लायक बनते हो, लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी तो उस समय की स्थिति क्या होगी? उत्तर, उस समय तुम्हारी स्थिति अचल अडोल होगी। किसी भी प्रकार के माया के तूफान हिला नहीं सकेंगे, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अभी तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा न होने के कारण माया के तूफान, स्वप्न आदि आते हैं। यह युद्ध का मैदान है। नई नई आशाएं प्रकट हो जाएगी, परंतु तुम्हें इनसे डरना नहीं है। बाप से श्रीमत ले, आगे बढ़ते रहना है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां को पा लिया। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं, अब उनके अर्थ में टिकना है। लक्ष्य को पकड़ लिया है कि अभी हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, जिसको आधा कल्प से याद किया है। रावण वर्षा छीनता है, दुनिया वाले इस बात को नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। कौन वर्षा देता, कौन छीनता, बाबा कहे दुनिया वाले तो नहीं जानते। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, कोई मनुष्य का नहीं। परमात्मा शिव का ये यज्ञ है, कोई मनुष्य का रचा हुआ नहीं है। प्रजा पिता ने यह यज्ञ नहीं रचा है, यह रुद्र यज्ञ है। ज्ञान सागर अथवा शिव ने यह यज्ञ रचा है। यज्ञ तो अनेक प्रकार के रचते हैं ना? जैसे शास्त्रों में वर्णन है कि जैसे दक्ष प्रजापति कहते हैं, अब दक्ष प्रजापति तो है नहीं, ब्रह्मा है प्रजापिता। दक्ष प्रजापति अक्षर नाम कहां से आया? बाप बैठ समझाते हैं, यह रॉन्ग बनाया हुआ है। शास्त्रों में भी लंबी चौड़ी कथाएं लिख दी है। अब बाप कहते हैं, जो भी सुनते आए हो सब भूलो, मैं जो तुमको सुनाता हूं वह सुनो। प्रजापिता तो एक ही होगा ना? जो भी यज्ञ रचते हैं वह सब है मटेरियल यज्ञ। यह है रूहानी बाप का रूहानी यज्ञ, यह है रूहानी बाप का रूहानी यज्ञ। इसमें भी ब्राह्मण चाहिए। वह ब्राह्मण तो है कुक वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। मुख वंशावली का पुजारी हो न सके, तुम पूज्य बनते हो। इस यज्ञ के द्वारा बाबा कहे तुम पूज्य बनते हो, वह है पुजारी। तुम गायन लायक बनते हो, इस समय गायन लायक महिमा योग्य बनते हो। तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती। अगर देहधारी की पूजा करते हैं तो यह रॉन्ग है। पवित्र है ही सतयुग में देवताएं। हिंदुओं की रस्म रिवाज है, जो स्त्री को कहा जाता है पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है। बाबा कहे हिंदुओं की ये रस्म रिवाज है कि स्त्री को कहा जाता है पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है, तो पति के चरण धोकर पीते हैं। आजकल तो वह रिवाज नहीं है, सिविल मैरिज में ये अक्षर नहीं निकालते हैं।
कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर आदि है। सिविल मैरिज में बाबा कहे ये अक्षर नहीं निकालते हैं कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर आदि है, ये सब है ठगी। इसलिए चित्र भी ऐसा बनाया है कि लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही है। ये भी शास्त्रों में दिखा दिया कि अगर लक्ष्मी पांव दबा सकती है तो आज की स्त्रियों को भी जरूर दबाना चाहिए। तो बाबा कहे ये ठगी है, यह सब है ठगी। इसलिए चित्र भी ऐसा बनाया है कि लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही है। समझते हैं वह भी यह सब करती थी, हिंदू नारी को यह करना चाहिए। हाफ पार्टनर से यह धंधा कराया जाता है क्या? किस्म किस्म के होते हैं, तो जो रसम देखते हैं वह चित्र बना देते हैं। अब वहां ऐसे थोड़ी हो सकता जो लक्ष्मी बैठ पांव दबाए। बाप कहते हैं मैं द्रौपदी के आकर पांव दबाता हूं। लक्ष्मी ने पांव नहीं दबाए, लेकिन स्वयं भगवान आकर द्रौपदी के पांव दबाते हैं। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का रूप दे दिया है। यह सब है व्यर्थ बातें। वहां राम को तो चार भाई होते नहीं, वहां बच्चा भी तो एक होता है, चार बच्चे कहां से आए? बाप कहते हैं मैं तुमको इन सब शास्त्रों का सार बताता हूं। यह बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है, तुम समझा सकते हो। बाप कहते हैं तुम जो यह कसम उठवाते हैं, कोर्ट में कसम उठवाते हो वह झूठा उठवाते हो। अब कहते हैं गीता से कृष्ण ने गाई, हाथ में गीता उठाते हैं, फिर कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजर जान सच बोलना। श्री कृष्ण भगवान को हाजिर नाजिर जान ये नहीं कहते, ईश्वर के लिए ही कहते हैं। तो श्री कृष्ण गीता का भगवान है ये अभी बुद्धि से निकाल दो। बाबा कहे ये अभी बुद्धि से निकाल दो, झूठा कसम होने के कारण उनमें ताकत नहीं रही है। एक्यूरेट है एक धर्मराज, सुप्रीम जज वही सच्चा है। सतयुग में तो जज आदि होते नहीं, क्योंकि वहां कोई ऐसी बात नहीं होती। सब हिसाब किताब चुकतू कर वहां चले जाएंगे। फिर नए सिर सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे। हर एक वस्तु जो तुम देखते हो नई से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी नई से पुरानी होती है, यह पुरानी दुनिया है, परंतु कितने तक पुरानी है यह किसको पता नहीं है। कितनी दुनिया पुरानी है ये बाबा कहे पता नहीं है। सदैव चार भागों में बांटा जाता है, यह भी चार युग है। पहले नया, फिर चौथा पुराना, फिर आधा पुराना, फिर सारा पुराना हो जाता है। क्वार्टर क्वार्टर कम होते होते सारा पुराना हो जाता है, बिल्कुल ही टूटने के लायक हो जाता है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है, अभी तुम हो अंत में। अंतिम जन्म में तुम बाप से वर्षा पाते हो 21 जन्मों के लिए। सतयुग त्रेता में 21 जन्म, द्वापर कलयुग में 63 जन्म क्यों होते हैं? क्योंकि पतित बनने से आयु कम हो जाती है, आधा कल्प आयु बड़ी होती है। अभी तुम योग सीखते हो, तुम बच्चे यहाँ योग व याद सीखने के लिए नहीं आए। यहाँ तुम आते हो सन्मुख मुरली सुनने। मुरली तो बहुत प्यारी लगती है,
योग तो तुम कहां भी बैठकर कर सकते हो। स्टूडेंट के इम्तिहान का जब टाइम होता है तो कहां भी होंगे बुद्धि में इम्तिहान की ही बातें घूमती रहेगी। यहां तुम्हारी पढ़ाई और योग इकट्ठे हैं। पढ़ाने वाले को भी याद करना पड़े। बाप कहते हैं मां में कम याद करो। भूल से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। सन्यासी आदि तो श्री कृष्ण को याद करते नहीं है। बाकी किसने कहा मन मनाओ? अक्षर किसने कहा मन मनाओ? तत्व व ब्रह्म तो नहीं कह सकता। बाप इस मुख का आधार लेकर कहते हैं बच्चे मां में कम याद करो। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी होती है, फिर समझाना होता है। कांग्रेसी लोग कितना आवाज से बोलते थे, उन्होंने का लीडर था बापूजी। वह था जिस्मानी बापूजी, यह है फिर रूहानी बाप। सभी का बाप तो गांधी जी हो न सके, शिव बाबा तो सबका बाप है ना। ब्रह्मा भी बाप है जरूर, ब्रह्मा भी बाप है जरूर, परंतु इस समय सिर्फ तुम जानते हो। सारी दुनिया तो नहीं मानेगी क्योंकि समझते नहीं। यहां हम बापू निराकार शिव बाबा को कहते हैं। वह सभी का बाप है। बच्चों को कितनी पॉइंट्स समझाते हैं, कभी आत्मा पर, कभी परमात्मा पर, कभी शास्त्रों पर। ढेर के ढेर भारत में शास्त्र है, और धर्म वालों का तो एक ही शास्त्र होता है। यहां तो अनेक शास्त्र है। फॉलोअर्स भी जो कुछ सुनते सत सत करते रहते हैं। एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं। जैसे राधा स्वामी पंथ है, अब नाम तो रखा है राधा स्वामी। राधे का स्वामी तो श्री कृष्ण है, बाबा के राधे का स्वामी तो श्री कृष्ण है। वास्तव में जिस रूप से भारतवासी श्री कृष्ण को समझते हैं वैसे है नहीं। राधे का स्वामी तो श्री कृष्ण है, वास्तव में जिस रूप से भारतवासी श्री कृष्ण को समझते हैं वैसे है नहीं। राधे तो कुमारी है, श्री कृष्ण कुमार है, फिर कृष्ण को स्वामी कैसे कहेंगे? जब स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने तब स्वामी कहा जाए। छोटेपन में तो आपस में खेलपाल करते हैं, तो वह कोई पक्का स्वामी थोड़ी हुआ। बहुत है जो सगाई को भी तोड़ देते हैं। अब लक्ष्मी नारायण तो दिखाते हैं, परंतु नारायण के बाप का नाम क्या है कभी बता न सके। अब श्री कृष्ण के माँ बाप दिखाते हैं। राधे और श्री कृष्ण दोनों के माँ बाप अलग अलग है। राधे और जगह की थी, श्री कृष्ण फिर और जगह का था। सतयुग की बातों का सारा अगड़म बगड़म कर दिया है। बाबा कहे सतयुग की सारी बातों का अगड़म बगड़म कर दिया है। लक्ष्मी नारायण के माँ बाप का नाम कहाँ है? नारायण का बर्थ कहाँ? ये कोई भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग की कितनी बड़ी सामग्री है। ज्ञान में तो सिर्फ बीज को जानना होता है। बीज के ज्ञान से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान है जो परम धाम में रहते हैं। वहां तो सभी आत्माएं रहती है। सूक्ष्म वतन में तो है सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा और विष्णु तो पुनर्जन्म में आते हैं, बाकी शंकर नहीं आता। जैसे शिव बाबा सूक्ष्म है वैसे शंकर भी सूक्ष्म है, तो उन्होंने फिर
शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है, परंतु है तो अलग अलग ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, फिर शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु हो जाता है, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ततत्वम, तुम भी देवता घराने के हो ना, तो बाप तुम्हें सब राज समझाते रहते हैं। बाकी धारणा करने वाले नंबरवार है, जिसने जो पद कल्प पहले पाया था वही पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ बिगर प्रालब्ध बन न सके, पुरुषार्थ से समझा जाता है। कल्प पहले भी इसने इतना किया था। अभी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, रुद्र माला विष्णु की माला गाई जाती है, बाकी ब्राह्मणों की माला है नहीं। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थी है। आज अच्छा चलते हैं, कल माया का गुस्सा लग पड़ता है, रुद्र माला बनने से फिर ट्रांसफर हो जाएंगी। ब्राह्मण तो पुरुषार्थी है, रुद्र माला बनने से फिर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगी। ब्राह्मण तो पुरुषार्थी है, आज अच्छा चलते हैं तो कल गिर पड़ते हैं, तो माला बन न सके। आगे माला बनती थी, फिर तीन चार नंबर में आने वाले आज है नहीं। ये युद्ध का मैदान है ना, कुछ भी बात समझ में न आए तो पूछो, क्योंकि तुमको औरों को भी समझाना है। कच्चे जो है वो मूंझ पड़ते हैं। ब्राह्मणों में भी नंबरवार है, कोई कोई तो पूछते भी है कि बाबा ने समझाया है। माया के तूफान बहुत आएंगे, तो हम उन पर कैसे विजयी बने? अनुभवी टीचर न हो तो कैसे समझा सकेगी? बाप समझाते हैं ये माया के तूफान, स्वप्न आदि सब आएंगे, जब तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा आ जाए। कर्मातीत अवस्था हो इस समय तो बहुत आएंगे, बूढ़ों को और ही जवान बना देंगे, नई नई आशाएं प्रकट करेंगे। तुम कहेंगे आगे तो कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आते थे। अरे युद्ध के मैदान में तो तुम अभी आए हो। वैद्य लोग कहते हैं कि इस दवाई से बीमारी सारी बाहर निकलेगी, तो बाबा अनुभवी है, सब कुछ बतलाते रहते हैं, इससे जरा भी डरना नहीं है। कहते हैं ज्ञान में आने से तो पता नहीं क्या हो गया है, इससे तो भक्ति अच्छी। बाबा तो कहते हैं बल जाओ भक्ति में, अगर भक्ति अच्छी तो बल जाओ भक्ति में, वहां तुमको ये तूफान नहीं आएंगे। बाबा तो सब बातें समझाते हैं, रोज सुनने वालों की बुद्धि में पूरी धारणा होगी। मुख्य है ही नॉलेज से काम, फिर भल कहां भी जाओ, मुरली तुमको मिलती रहेगी। मुरली पढ़ने की मिलिट्री में भी मना नहीं हो सकती। मिलिट्री को ऐसे थोड़ी कहेंगे कि बाइबल व ग्रंथ आदि नहीं पढ़ो। बाबा कहे मिलिट्री वालों को ऐसे थोड़ी कहेंगे कि बाइबल व ग्रंथ आदि नहीं पढ़ो, सब पढ़ते हैं, उनके मंदिर भी होते हैं, तो मुरली कहां भी मिल सकती है। फिर भी तो लक्ष्य मिला हुआ है ना। मुख्य बात है ही बाप का परिचय देना। पहले तो निश्चय बैठे कि हमको पढ़ाने वाला नॉलेजफुल गॉड फादर है, तब और बातों को समझ सकेंगे। गॉड फादर कैसे आकर पढ़ाते हैं ये किसको पता नहीं है। लिखा हुआ भी है भगवान वाच, उनका नाम शिव है, परमात्मा है ना, परम अर्थात सुप्रीम। परम धाम में तो सब रहते हैं, आत्माओं में भी सुप्रीम
सुप्रीम पार्ट तो किसका होगा ना? उनको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है। वह है रचयिता करण करावनहार, फिर पाठधारी भी है। इसमें आकर कितना पाठ बचाते हैं जिससे भारत स्वर्ग बनता है। ऊंचते ऊंच बाप शिव बाबा आया, क्या आकर किया, क्या आकर किया, कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु ही लंबी करती है। बाप कहते हैं मुझे आना ही है कलयुग अंत और सतयुग आदि में। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पावन दुनिया थी। हम सो पावन, फिर हम सो पतित। चढ़ती कला उतरती कला कैसे होती है? अभी यह सब तुम्हारी बुद्धि में है। बाप कहते हैं बच्चे सबको बाप का परिचय देते रहो। बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। भारत को थी, अब नहीं है, इसलिए भगवान को आना ही पड़ता है। भारत ही शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, आकर तुमको स्वर्गवासी बनाया था। अब तुम भूल गए हो। भूल और अभूल का यह खेल है। इस नॉलेज को भूलने से फिर उतरती कला होती है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति, चढ़ती कला, जीवन बंध में कितना समय लगा, ये बातें शास्त्रों में थोड़ी है, जनक की बात है ना। बाप कहते हैं जो भी कुछ पढ़ा है सब भूल जाओ। बाप, टीचर, सतगुरु मैं ही हूँ। 21 जन्म का तुमको वर्षा देता हूँ, फिर भी अहो मम माया तुम कब्रिस्तानी बना देती हो। शिव बाबा परिस्तानी बनाते हैं। माया बहुत बच्चों को धोखा देती है, क्योंकि श्रीमत पर ठीक रीति नहीं चलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, मुरली रोज जरूर पढ़नी है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए श्रीमत लेते रहना है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई और योग दोनों इकट्ठा है, इसलिए पढ़ाने वाले बाप को याद करना है। निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है। बाप का ही परिचय सबको देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रिय से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी वह है जो अकाल तख्त नशीन अर्थात स्वराज्य अधिकारी और बाप के वर्षे के राज्य भाग्य अधिकारी है। जो सदा अकाल तख्त पर बैठकर कर्म करते हैं उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि सभी कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती है। अगर कोई तख्त पर ठीक ना हो, तो लॉ और ऑर्डर चल नहीं सकता। तो तख्त नशीन आत्मा सदा यथार्थ कर्म और यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली। बाबा कहे तख्त नशीन आत्मा सदा यथार्थ कर्म और यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली होती है। उसे खुशी भी मिलती है तो शक्ति भी मिलती है। आज का स्लोगन है, ब्रह्मा बाप के प्यारे वह है जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है।
ब्रह्मा बाप के प्यारे वह है जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। अच्छा, ओम शांति।